कोर्ट रोड पर यातायात पुलिस ने की चालानी कार्यवाही, नाबालिग बच्चों को वाहन चलाते पकड़ा, परिजनों को बुलाकर दी समझाइश। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंशी भदौरिया के निर्देशन में यातायात विभाग द्वारा लोगों को यातायात का पालन कराने हेतु चालानी कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में यातायात विभाग द्वारा कोर्ट रोड पर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें नाबालिग वाहन चालकों को यातायात पुलिस द्वारा पकड़ा गया एवं उनके परिजनों को बुलाकर समझाइश दी और चालानी कार्यवाही की गई। कोर्ट रोड पर चालानी कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की चालानी कार्रवाई और ये छोटे बच्चों को भी पकड़ा है, क्या पूरा मामला? चालानी कार्रवाई तो वैसे रोज ही होती है, जो बिना नियम के चल रहे, नंबर प्लेट नहीं लिखी, 3 सवारी बिठा के चल रहे, अंडर एज चला रहे, तो आज कुछ एक छोटे बच्चों को पकड़ा गया, उनके फिर परिजनों को बुला के उनको समझाइश देके छोड़ा गया। क्या कुछ समझाइश दी गई सर, कितने बच्चों को दी गई? यही है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर वो गाड़ी चलाएंगे, एक तो जब तक अंडर एज है उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, उसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर वो गाड़ी चलाएंगे तो दुर्घटना होने या फिर कोई भी और चीज़ हो सकती है, तो उसमें उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ये सही भी नहीं है, कम एज में आपको एक्सपीरियंस कम है, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी कम होती है, गाड़ी वगैरह का अनुभव कम रहता है, शरीर उतना परिपक्व नहीं होता, तो इसमें दुर्घटना होने की गुंजाइश पड़ जाती है। तो हमने उनके परिजनों को बुलाकर उनको समझाइश दी है और छोड़ दिया। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।